हैंड्स मिक्सर सभी तरह के मैंने लगा रखे हैं। देखिए ये सब आपको दिखाने वाला हूँ। ये भी दिखेगा 32 चैनल मिक्सर, 16 चैनल मिक्सर, 6 चैनल मिक्सर, अभी 8 चैनल मिक्सर मेरा प्रोग्राम से अभी आने वाला है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। टेक्निकल सर्वेंट चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। माई फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने DJ लाइव साउंड सेटअप, छोटा लाइव साउंड सेटअप, भजन कीर्तन मंडली आदि के लिए, और थोड़ा उससे बड़ा, फिर छोटे छोटे जागरण के लिए, और फिर उससे बड़ा लाइव साउंड सेटअप, बड़े स्टेज, बड़े ऑडिटोरियम के लिए। हमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो हमारा सबसे मेन पार्ट होता है मिक्सर। मेन तो सभी हैं फ्रेंड्स, मगर सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है मिक्सर। मिक्सर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है दोस्तों, और अगर आपने अच्छा मिक्सर सेलेक्ट कर लिया अपने सेटअप के लिए, चाहे आप DJ चलाते हों, चाहे आप लाइव साउंड सेटअप चलाते हों, तो आपका बहुत सारी समस्याएं वहीं पे हल हो जाती हैं। और कहीं गलती से अगर आपने कोई गलत मिक्सर सेलेक्ट कर लिया, जिसका आपको पता भी नहीं है कि आपको कैसे ऑपरेटिंग करना है, तो आप लोगों को बहुत सारी समस्याएँ होने वाली हैं। तो माई फ्रेंड्स, अब जो मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, वन बाई वन में मैं आपको मिक्सर्स दिखाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपको कैसा मिक्सर अपने सेटअप के लिए चुनना है वो मैं आपको सारा पूरा वीडियो में बताते चलूँगा कि कौन मिक्सर पे आप कितना सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं, कितने माइक इन कर सकते हैं, और कैसा आप लोगों को वो परफॉर्मेंस देगा, कैसा रहेगा आपका सेटअप उसके साथ। चलिए बने रहिएगा वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे आप तो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें छूटने वाली हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए दिखाता हूँ आपको मिक्सर। इसका मॉडल है अहूजा AMX 812 डिजिटल इको प्लस रिवर्ब, इसके अंदर इनबिल्ट है। फ्रेंड्स, ये मिक्सर भी आप यूज़ कर सकते हैं छोटे लाइव साउंड सेटअप में। 1 2 3 4 5 6 7 चैनल ये मिक्सर है, और 6 चैनल इसमें पूरा इनपुट होता है। जो 7वां चैनल है, इसको आप स्टीरियो, आप अपना भजन कीर्तन में कोई भजन कीर्तन या DJ में कोई सॉन्ग प्ले करना हो तो आप इस चैनल का यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो चैनल है, ये इसका पूरा डिले है, ये डिले है, ये रिपीट है, ये डिले, और इसके लिए रिवर्ब है, ये इको का बैलेंस है, और फ्रेंड्स ये इको है, ठीक है। ये पूरा इसमें दिया गया है, और ये एक चैनल आपको पर्टिकुलर बता देता हूँ, ये इसमें माइक, आपका लाइन इनपुट और माइक इनपुट सेम है। जब आप माइक इनपुट करेंगे तो आप इस स्विच को ऊपर कर दीजिएगा, और जब इसमें लाइन इनपुट मतलब कोई भी ऑक्टोपैड या कीपैड वगैरह आपको इसमें प्ले करना है तो इसको ऑन कर दीजिएगा। ये मास्टर गेन है, ये ट्रेबल, ये बेस, और फ्रेंड इसमें मिड का ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलेगा, सिर्फ ट्रेबल और बेस का आप यूज़ करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर माइक को आपको इको देना है तो आप यहाँ से ऑन करेंगे। और ये भी बहुत अच्छा मिक्सर है दोस्तों, आप लोग इसको भी यूज़ करना है तो कर लीजिए, वैसे इसका टाइम नहीं है अभी, तो बहुत अच्छे हो जाएंगे मिक्सर आ चुके हैं फ्रेंड्स। और ये मिक्सर भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 8 से 10 हज़ार रुपये में यह भी मिक्सर आ जाएगा आपको। और ये है इसका पैनिंग स्विच दोस्तों, ये पैनिंग स्विच रहा, और ये इसके मास्टर फेडर हैं, इनको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर, इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे इसको बटन दिया है, और इसका ये मास्टर आउटपुट है, और ये क्लिप सिग्नल है इसका। और दोस्तों, इसमें रिकॉर्डिंग करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे RCA इनपुट आउटपुट दिए गए हैं, और यहाँ से आप इसको प्ले भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और कैसे आप इसमें पूरा डाटा दिया गया है माइक लाइन में, आपको कैसे TRS पिन यूज़ करनी है, और आउटपुट में TS पिन यूज़ करनी है, स्टीरियो इनपुट में 100 MV में इतनी करनी है, और फ़ोन जैक्स में आपको कौन सी TRS और TRS फ़ोन और माइक लाइन में ये यूज़ करेंगे, TS पिन इन दोनों में यूज़ करेंगे। और दोस्तों, ये इसके प्ले के लिए अलग से ऑन ऑफ है, और ये गेन स्विच है इसका, ये दोनों गेन है लेफ़्ट और राइट के। इस मिक्सर में इतना ही है दोस्तों, आप चाहें तो इस तरह का मिक्सर भी आप ले सकते हैं, ये मिक्सर भी बहुत अच्छे रहते हैं। DJX 300 फ्रेंड्स, इसकी भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, और इस मिक्सर की खूबियाँ क्या हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, प्लस इसका प्राइस भी बहुत कम है, प्राइस मैं आपको साथ में ही बताने वाला हूँ। सभी मिक्सर्स का मैं लगभग आपको प्राइस बताते चलूँगा साथ में ही। DJ सिस्टम में कहीं पर भी अगर वॉल्यूम को बूस्ट करना है, उसके लिए भी एक अच्छा सा सिंपल सा ट्रिक दिया है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले आप इसका एक लुक देख लीजिए।
ये जो पूरा का पूरा है इसका सिस्टम, ये माइक का है, ये पूरी लाइन माइक की है। माइक के लिए हाई है, मिड है, लो है, और ये माइक का लेवल है। और फ्रेंड्स ये इसका लेफ्ट चैनल का आउटपुट है और ये राइट, ये टू चैनल का आउटपुट देगा आपको। और ये इसके सिलेक्शन बटन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये गेन है, हाई है, मिड है और लो है, ये चारों और ये चारों दोनों में सेम है, दोनों चैनल का बार ग्राफ। और फ्रेंड्स ये इसके मास्टर आउटपुट हैं, ये आपका मास्टर रहेगा, ये बोथ रहेगा। और फ्रेंड्स ये क्यू और ये आपका हेडफोन का वॉल्यूम रहेगा। और फ्रेंड्स देखिए इस मिक्सर में आप माइक कहाँ पे इनपुट करेंगे, यहाँ पे इसमें माइक इनपुट होगा, यहाँ से हेड और आउटपुट होगा हेडफोन, यहाँ से हेडफोन आउटपुट होगा। और ये इसके मास्टर फेडर हैं, ये इसका लाइन इन है, ये जो है आरसीए टाइप में इसका लाइन इन होता है, लाइन 1 2। और फ्रेंड्स ये दोनों ऐसे ही क्रॉस में आपने इनपुट किया है तो क्रॉस में ही आपको आउटपुट मिलेगा। मास्टर पे आप हमेशा अपने टॉप चलाइए, बोथ पे आप हमेशा अपने बेस चलाइए, इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसका आउटपुट मिलेगा। अब मैं चलता हूँ आपको इसकी थोड़ी सी खासियत बता देता हूँ। फ्रेंड्स इसकी खासियत ये है, जब भी कभी आपको अपनी आवाज़ में और क्लियरिटी बढ़ानी हो और ज़्यादा तेज़ आवाज़ करनी हो, तो इसमें सीधे सिंपल ही यह क्रॉस ओवर फेडर दिया है कर्व। अगर मैं ज़्यादा तो मैं इसको यहीं पे सेटअप रखता हूँ, इसको स्विच को इधर ही रखता हूँ। जब भी मुझे चाहिए कि मुझे और हाई वॉल्यूम अपने सेटअप में चाहिए तो मैं इसको इधर प्रेस कर देता हूँ, तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त क्लियरिटी के साथ ये इसकी आवाज़ बढ़ के आ जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त पंच मुझे मिलता है। और साथ में आप इससे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने तो इसको यहाँ पे सीज किया है क्योंकि मुझे कभी इसको इधर उधर सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, मैं इसी से अपना काम कर लेता हूँ। जब ये मैंने लिया था ये 6,500 रुपये का था, अभी इसके प्राइस बढ़ चुके हैं, 500-700 रुपये और बढ़ गए होंगे, आपको ये 7,000-8,000 रुपये में अभी भी मिल जाएगा मार्केट में। ये सिंपली मैं आ चुका हूँ अपने मिक्सर के पास। देखिए दोस्तों अब मैं आपको ऐसा मिक्सर दिखाने वाला हूँ जिस मिक्सर में आप लोगों को पूरा का पूरा ऐसा सेटअप मिलेगा जिससे आप अपनी छोटी भजन कीर्तन एंड मिक्सर सभी तरह के मैंने लगा रखे हैं। देखिए ये सब आपको दिखाने वाला हूँ, ये भी दिखेगा 32 चैनल मिक्सर, 16 चैनल मिक्सर, 6 चैनल मिक्सर, अभी 8 चैनल मिक्सर मेरा प्रोग्राम से अभी आने वाला है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये है हमारा इको मिक्स स्टैंजर, ये लगभग सभी के पास होता है, लगभग सभी के पास है हमारे इंडिया में। और फ्रेंड्स ये ऐसा मिक्सर है, आप इससे डीजे बजाएं, आप इससे लाइव साउंड सेटअप चलाएं, ये सब में सही बैठ जाता है। और इसमें फ्रेंड्स आप ब्लूटूथ से, यूएसबी से, दोनों से सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, इसमें ये फैसिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त आई है। आप कहीं पर भी बैठे बैठे अपने फ़ोन से भजन कीर्तन में भजन बजाते रखते हैं और सीधे यूएसबी से प्ले करना चाहें तो यूएसबी से प्ले कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें आप सिर्फ 6 माइक यूज कर सकते हैं और 2 लेफ्ट और राइट इसके आउटपुट है। और फ्रेंड्स इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम ये दिया गया है, आप इसको जब भी आपको चार या 5 माइक कहीं पे आपको छोटा प्रोग्राम लगता है, कोई भजन संध्या है, छोटी कथा है, छोटी छोटा महिला संगीत का प्रोग्राम है, जहाँ पर आप अपने छोटे 12 इंच के कॉलम यूज़ करते हो, वहाँ पर आप इस मिक्सर को लेके जाइए। बड़े मिक्सर से आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मिक्सर आपका पूरा काम करेगा। ये कैसे करेगा मैं पूरा दिखा देता हूँ। इस मिक्सर में देखिए गेन, बेस, ट्रेबल, पैनिंग स्विच और इको, और फिर ये इसका मास्टर फेडर, सब चैनल 6 चैनल के लिए सेपरेट दिया गया है। और मास्टर आउटपुट में आ जाता हूँ फ्रेंड्स, ये इको है इसकी, ये इनका पूरा इको, फीडबैक और टाइम, इन तीनों का जो मास्टर है वो ये है। और ये जो दोनों लेफ्ट राइट आउटपुट हैं इनके मेन मास्टर दोनों लेफ्ट राइट के ये दोनों हैं। और फ्रेंड्स इसमें आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये मिक्सर बहुत ही सस्ता है फ्रेंड्स, आपको अगर छोटे प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम चलाने हैं तो आप लोगों के लिए मिक्सर बहुत ही बेस्ट होने वाला है। फ्रेंड्स इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपका काम 1500 से 2000 रुपये में हो जाए तो उन लोगों के लिए यह मिक्सर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मिक्सर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, इसको रखते चले जाता हूँ साइड में। फ्रेंड्स जो लोग जिन लोगों का बजट थोड़ा ज़्यादा है और वो 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करना चाहते हैं और थोड़ा सेटअप को अपने और अच्छी तरह से लगाना चाहते हैं कि हमारा सेटअप और अच्छा लगे, मगर फ्रेंड्स
आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको बात बताने वाला हूँ। मान लीजिए यह स्टूडियो मास्टर डायमंड क्लब 16.2 है। और फ्रेंड्स देखिए, इस मिक्सर में अपना इनबिल्ट इफेक्ट नहीं है। अगर आपको लिखा मिले कि डायमंड क्लब 16.2 सिंपल है तो इसमें अपना इफेक्ट नहीं है, इसमें आपको इफेक्ट डालना पड़ता है। मान लीजिए आपको बॉस का DD3 लगाना पड़ेगा या फिर आपको रोलैंड का लगाना पड़ेगा, इसमें आपको अलग से इफ़ेक्ट डालने पड़ेंगे फ्रेंड्स। तो वो जो इफ़ेक्ट हैं वो कैसे काम करेंगे, वो इसके ऑक्स सेंड और ऑक्स रिटर्न में कनेक्ट हो जाते हैं, और जब वो यहाँ पे आप कनेक्ट कर लेंगे तो ये पूरा मिक्सर आपका इफ़ेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है। और जिसमें भी आपको इफ़ेक्ट लेना है, फिर आप ऑक्स 1 और 2 दोनों में आपने इफ़ेक्ट अगर लगाया है तो दोनों को यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप देख लेना। फ्रेंड्स ये 16 चैनल का मिक्सर है और इसमें 16 के 16 माइक इन होते हैं दोस्तों। दो इसमें लेफ्ट राइट आउटपुट हैं, और अगर आप ऑक्सिलरी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपने सिंपली अपने माइक में कोई भी इफेक्ट लगाया है और वो इफेक्ट लगाने के बाद सीधे आपने यहाँ पे इनपुट दे दिया है, फिर आपको ऑक्स की ज़रूरत नहीं है, तो दो आउटपुट ही हो जाते हैं। और आपके मोनिटर के लिए जो सेंड है, सेंड से भी दो आउटपुट आपको मिल जाएंगे, फिर ये 4 आउटपुट आपके पास हो जाते हैं। फ्रेंड्स ये आपको देखना है कि आपको मिक्सर के किस चीज़ को कैसे बांटना है। और फ्रेंड्स इसका मैं थोड़ा सा आपको एक किसी भी एक चैनल का बता देता हूँ, पूरे चैनल में इसमें क्या दिखाया गया है। कैमरा मेरा थोड़ा शेकी हो रहा है, हिल रहा है, इसको मैं स्टेबल कर दिया। अब देखें फ्रेंड्स, ये होता है प्री एम्प इनपुट। और दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि इस इनपुट में आप कोई भी सिग्नल इनपुट करेंगे तो क्या फ़ायदा है, और लाइन इनपुट में आप कोई भी इनपुट करेंगे तो उसमें क्या फ़ायदा है। ये दोनों इनपुट हैं। और फ्रेंड्स ये इसका गेन है, ये इसका इक्वलाइजर है 3 बैंड का, ये हाई है, ये मिड, ये लो। और फ्रेंड्स ये इसकी ऑक्सिलरी 1 है, ये ऑक्सिलरी 2 है, ये इसका पैनिंग स्विच है लेफ्ट राइट, और ये फ्रेंड्स ये इसका फेडर, मास्टर फेडर को ऑन करने के लिए, पूरे चैनल को ऑन करने के लिए यहाँ पे इसका बटन दिया गया है। और दोस्तों ये इसका क्लिप LED है। अगर सिग्नल आपके इस किसी भी पर्टिकुलर चैनल में सिग्नल हाई हो जाए तो ये क्लिप LED जलेगी। और फ्रेंड्स ये इसका मास्टर आउटपुट है। और आ जाता हूँ इसके मेन मास्टर आउटपुट में, ये दोनों फीडर हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। जब आप ऑक्सिलरी का यूज़ करेंगे तो ये 6 के 6 बटन आपके काम आने वाले हैं। फ्रेंड्स देख लीजिए इनको बहुत ही अच्छी तरह से, ये ऑक्स 1 का लेवल है, ये सेंड का, एक सेंड का लेवल है, एक रिटर्न का लेवल है, और ये दोनों लेफ्ट राइट आपको कहाँ पे इसको देना है ये दोनों इसमें दिए गए हैं। और दोस्तों यह मिक्सर भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, यह मिक्सर आपको 10 से 15 हज़ार रुपये में पड़ जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके मिक्सर में इनबिल्ट इफ़ेक्ट हो तो उसमें यहाँ पे 16.2 FX ऐसे कुछ लिखा होगा, FX उसमें ज़रूर लिखा होगा। किसी भी मिक्सर में अगर इनबिल्ट फीचर दिया गया है तो FX उसमें ज़रूर होगा। फ्रेंड्स इसमें आपको सुविधा यह मिल जाती है कि आप इसमें बैलेंस केबल भी आप अपनी यूज़ कर सकते हैं, और वो जो छोटा मिक्सर मैंने आपको पहले दिखाया उसमें आप अनबैलेंस केबल ही यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाता हूँ फ्रेंड्स, सभी मिक्सर्स मेरे सामने ही लगे हैं, इसका मैं ज़रा पर्दा उठा देता हूँ, ये दिखा देता हूँ आपको 32 चैनल मिक्सर। जो मेरे फ्रेंड्स इससे पहले थोड़ी सी बात इसकी छूट गई है दोस्तों, इसकी बता देता हूँ। जो मेरे दोस्त चाहते हैं कि वो अपने छोटे जागरण गांवों में या छोटी मंडलियों में अपने जागरण करते हैं तो उन लोगों के लिए यह मिक्सर बहुत ही बेस्ट है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे मिक्सर हैं, लॉन्ग लाइफ चलते हैं, इनका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों आप इस मिक्सर को भी अपने सेटअप में सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उससे पहले आपको इस मिक्सर की झलक मिले, आप इसका इनपुट आउटपुट ज़रा समझ लीजिए। ये है यामा MGP32X, ये इसका इंसर्ट है सबसे ऊपर, और ये इनपुट है, और ये भी इनपुट है, ये बैलेंस है, ये लाइन इनपुट है, और ये इंसर्ट है। इसमें कोई भी किसी भी तरह का इफ़ेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप पूरा का पूरा इसमें 24 चैनल तक, ये 24 चैनल है, 24 चैनल तक आप इसमें चाहे आप इंसर्ट यूज़ करें, चाहे आप लाइन इन, चाहे माइक इनपुट। अब दोस्तों आ जाता हूँ इसका ये जो 25, 26, 27, 28 चैनल है और 29, 30,
और ये जो है इसका 31 और 32 चैनल है। ये कैसे यूज हो रहे हैं ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ज़रा सा। दोस्तों थोड़ा सा मेरा कैमरा हिल रहा है, जगह थोड़ी मेरे पास यहाँ पे कम है, चलिए हो जाएगा काम। देखिए दोस्तों ये जो इसका 24 चैनल है, यहाँ तक तो आप बिल्कुल अलग से आ गए हैं। अब ये जो दो चैनल हैं इसके 25, 26, 27, 28, ये जो चार चैनल हैं, ये चार के चार चैनल हमारे यूज होते हैं सबसे ज़्यादा। लाइन आरसी केबल, आप कोई भी इसमें किसी भी तरह का सॉन्ग बजाएं, जैसे डीजे टाइप का आपको कुछ भी बजाना है तो ये वहाँ पे यूज होगा। और फ्रेंड्स ये जो आपका 29, 30, 31, 32 और ये जो इसका डकर फंक्शन है, इस डकर फंक्शन के लिए भी आप लोगों को एक वीडियो में बहुत जल्दी देने वाला हूँ। दोस्तों बड़े मिक्सर्स में यह डकर फंक्शन होता है, इसमें आप जो इनपुट करेंगे, इसमें ज़्यादातर हम अपना जब हम लाइव साउंड सेटअप में होते हैं वहाँ पे हमें सॉन्ग भी प्ले करना है, कराओके टाइप का, जैसे कोई म्यूजिक चला के उस पर सॉन्ग प्ले करता है तो इसी में यूज़ होता है। इसमें यूज़ क्यों होता है फ्रेंड्स, ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मान लीजिए किसी गाने का लेवल हाई है, किसी का कम है, तो ये उस गाने के लेवल को जब आप लेवलर बटन दबा देंगे तो बिल्कुल सेम हर बार आपको ऑडियो सेम मिलने वाली है। ये इसका जितना भी मेरे फ़ोन के अंदर है अभी, वो पूरा का पूरा इसका आउटपुट है। सिर्फ ये 12 वोल्ट का लैंप है इसका नाइट में यूज़ करने के लिए, और ये है टॉकबैक के लिए माइक। बाकी ये स्टीरियो में कोई भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी डायनामिक प्रोसेसर हो आपका कुछ भी स्टीरियो में इंसर्ट करने के लिए। दोस्तों स्टीरियो के आउटपुट हैं लेफ्ट और राइट, ये अनबैलेंस है और ये बैलेंस है, हैं तो दोनों बैलेंस, मगर आप अनबैलेंस यहाँ पे ले सकते हो बैलेंस यहाँ से। मोनो आउटपुट है, स्पेशली बेस के लिए यूज होता है। और फ्रेंड्स ये 6 की 6 ऑक्सिलरी के आउटपुट हैं। दोस्तों ये 4 ग्रुप्स के आउटपुट हैं। और फ्रेंड्स ये दिए हैं मॉनिटर के आउटपुट लेफ्ट और राइट, और ये है मैट्रिक्स के दोनों आउटपुट। अब दोस्तों ये जो मिक्सर है, इस मिक्सर की खूबियाँ क्या हैं, इस मिक्सर की खूबियाँ मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, दिखा देता हूँ। दोस्तों ये मिक्सर के, इस मिक्सर का कोई भी एक पर्टिकुलर चैनल मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको देख लेना है कि सारे चैनल वैसे ही हैं। दोस्तों ये रहा इसका, ये रहा 26 dB। आप इसको किसी भी चैनल को, मान लीजिए आपने इसमें पैड, अपना पैड इनपुट किया है, उसका सिग्नल बहुत ज़्यादा हाई है और आपको उसको सिग्नल को कम करना है, गेन यहाँ पे आप लोगों ने सेट कर दिया है, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो 26 dB कम हो जाएगा। आपके पास कोई कंडेंसर माइक्रोफोन है तो 48 वोल्ट का यूज कीजिए, आपको उसमें सेल डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका माइक जब भी कुछ भी गड़बड़ी करे, सूं साँ फूँ फाँ कुछ भी आए उसमें, तो आप 100 Hz फिल्टर यूज कीजिए। अपनी बेस पे और जो ड्रम्स के बेस होते हैं, बेस के जितने भी सिस्टम हैं उन सब पे आप 100 Hz लगा दीजिए, आपके पास बहुत ही कुछ सही हो जाएगा। ये कंप्रेसर है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज करें फ्रेंड्स। ये इसकी हाई है, ये इसकी मिड की फ्रीक्वेंसी है, ये मिड है, ये लो है। और दोस्तों ये इसकी ऑक्सिलरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 4 ऑक्सिलरी मेन है, और ये दोनों ऑक्सिलरी हम अपने इफेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं और ऑक्सिलरी के रूप में भी। एक रिवर्ब है, एक डिले है, और ये इसका पैनिंग स्विच है, ये प्री और पोस्ट स्विच हैं। अगर आपने इसको प्री कर दिया है तो फिर आपका फेडर डाउन पड़ा रहेगा तो भी आपके आउटपुट आपको मिलेगा, अगर ये पोस्ट है तो फेडर से ही आपको वॉल्यूम मिलने वाला है। दोस्तों ये है इसका पूरा मास्टर चैनल को ऑन करने के लिए स्विच, पीक LED, सिग्नल LED, ये ग्रुप्स में भेजने के लिए और स्टीरियो में भेजने के लिए, ये PFL स्विच है और ये मास्टर फीडर है। पूरे चैनल में ऐसे ही है, आ जाता हूँ थोड़ा सा एक इसको दिखाने के लिए। दोस्तों ये दोनों इसके रिटर्न, ये FX रिटर्न है, एक रिवर्ब, एक डिले, कहाँ पे आपको यूज करना है पूरा इसमें दिया गया है। स्टीरियो में लेंगे, ग्रुप में लेंगे, किस चीज़ में आपको लेना है पूरा का पूरा डिटेल इसमें है। और ये यहाँ से इफ़ेक्ट आप इसको ऑन कर लीजिए, ये ऑक्सिलरी के इफ़ेक्ट में सेंड करने के लिए हैं, ये ऑक्सिलरी के मेन मास्टर हैं। और फ्रेंड्स ये चारों इसके ग्रुप हैं, और ये मोनो है स्पेशली बेस के लिए, ये स्टीरियो आउटपुट है। और दोस्तों ये ग्रुप्स के लेफ्ट राइट पैनिंग है, और ये मैट्रिक्स में आप ग्रुप के कितना सेंड करना चाहते हैं, ये पूरा मैट्रिक्स का बटन है सारे के सारे। और दोस्तों ये हेडफोन का है, ये मॉनिटर का है, और ये आपका
स्पेशली दिया गया है स्टीरियो का टॉकबैक, आपको बात करने के लिए जो टॉकबैक का माइक है उसका यहाँ पे आपको ये आउटपुट मिलेगा। और ये पेन ड्राइव से जब हम गाना प्ले करेंगे और अपना आईपॉड एप्पल का आईपॉड और आईफोन आप जोड़ सकते हैं, इससे पूरा मिक्सर आपके फ़ोन के अंदर आ जाता है। और ये इसका डिस्प्ले है फ्रेंड्स। इस तरह के मिक्सर्स, ये महंगे मिक्सर्स हैं, अगर आप लोगों को इस तरह के मिक्सर्स का यूज़ करना है तो दोस्तों आप लोगों को बहुत बड़ी रकम एक खर्च करनी पड़ती है फ्रेंड्स। इसका पूरा कंप्लीट लुक आप देख लीजिए दोस्तों। इसको लेने से पहले इसको चलाना आपको आना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स ये 90 से लेकर के 95,000 रुपीज़ तक ये हमारे इंडिया में मिल जाता है, कहीं पे रेट कम हो सकता है कहीं पे ज़्यादा, ये देख लीजिए आप। ये अभी के रेट हैं, रेट घटते बढ़ते रहते हैं, इसमें आप कुछ भी हो सकता है, रेट अप एंड डाउन हो सकते हैं। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये बड़े लाइव साउंड सेटअप में हम यूज़ करते हैं इनको, और इन मिक्सर्स को यूज़ करने के लिए हमें बहुत सारी जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ऐसे मिक्सर्स को लेने से पहले आपको बहुत कुछ आना चाहिए दोस्तों। ये रहे मिक्सर्स, आप लोगों को मिक्सर्स की जानकारी आज कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं।